म्यूजिक सो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर जिस तरह का स्टेटस देखा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको जो है कुछ इसी तरह का जो है गणपति पापा पर जो है स्टेटस क्रिएट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और आप भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो वीडियो काफ़ी कमाल होने वाला है। और अब स्टेटस तो हम इसके बाद देख लेंगे कि मैं किस तरह का एडिट किया और आप भी इस तरह का जो एडिट कर सकते हैं। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए अपने फोन में जो कैनवास डाउनलोड को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जिस तरह का मोबाइल को हम सबको दिख रहा है। देखने के बाद वो क्या करना, करेक्ट न्यू पे क्लिक कर देना, नए असिस्टेंट सेलेक्ट करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना। इसका जो ड्यूरेशन है कुछ इस तरह से आपको एक सेकंड मतलब कि एक सेकंड चार पॉइंट पे रख देना है। यहाँ से फिल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना, सबको कट लगा देना। लगा देने के बाद अगर गैलरी कुछ इस तरह का दिखेगा। देखने के बाद आपको अपना गैलरी में जाना, जो गणपति पप्पा का मॉडल्स फोटो है सबसे पहले वो जो 8 मॉडल्स फोटो है यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो देखो मैंने 8 मॉडल्स फोटो ऐड कर लिया। ऐड हो जाने के बाद कट लगा देना आपको। फर्स्ट तरफ आ जाना, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना है। और जो सॉन्ग है तो सॉन्ग मेरे वीडियो में छुपा है तो वीडियो को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अट्रैक्टिव उसका सॉन्ग बाहर निकाल लेता हूँ, वीडियो से डिलीट मार देता हूँ। इतना हो जाने के बाद उसको थोड़ा जूम कर लेना, इस तरह से जूम हो जाएगा। फर्स्ट मॉडल्स फोटो छोड़ देना, उसके बाद जो मॉडल्स पर क्लिक करना, उसका ड्यूरेशन इसमें एक पॉइंट को कुछ तरह से घींच के आगे की ओर ले आना है, तो एक सेकंड 5 पॉइंट पे रख देना। फिर से डन करना, फिर एक मॉडल्स फोटो छोड़ देना, दूसरा मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना, उसका ड्यूरेशन है इसमें भी एक पॉइंट एडजस्ट कर लेना, मतलब कि एक सेकेंड 5 पॉइंट पर रख देना कुछ इस तरह से। इतना एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा और जूम कर लेना। इतना जूम हो जाएगा, 4 मॉडल्स पर एडजस्ट हो गया। उसके बाद जो मॉडल्स फोटो उस पर क्लिक करना, उसका ड्यूरेशन आपको 6 पॉइंट पर रख देना कुछ इस तरह से, ऐसा डन कर देना है। फिर दूसरा मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना, इसका ड्यूरेशन है कुछ तरह से को यहाँ तक एडजस्ट कर लेना है। फिर इस मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना है और उसके बाद इसका भी ड्यूरेशन को 6 पॉइंट पे रख देना है। 2 मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन को 6 पॉइंट पे रखना है, इस तरह से रख देने के बाद उसके बाद जो मॉडल्स फोटो पर क्लिक करना, इसका भी ड्यूरेशन कुछ इस तरह को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ तक हो जाने के बाद वो कट लगा देना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है, एडिटिंग में जाना है और यहाँ 2 पॉइंट पे वो रख देना है कुछ इस तरह से। 2 पॉइंट पे रख देने के बाद यहाँ से कट लगा लेना, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको फिर से अपना गैलरी में जाना है। जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको जो है 11 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना। तो मैं 2 ऐड कर लिया, 2 हो जाने के बाद क्या करना, 3 4 5 6 7 यानी 7 हो गया, 8 9 10 11 11 मॉडल्स फोटो ऐड हो जाने के बाद वो क्या करना है, आपको यहाँ से जो कट लगा देना है। 11 मॉडल्स फोटो ऐड कर लिया तो कट लगा देना, उसको थोड़ा इस तरह से जूम कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आना है। यहाँ तक आने के बाद क्या, इसके बाद फर्स्ट मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना है और ऐसे 4 मॉडल्स फोटो का जो ड्यूरेशन है 3 पॉइंट पे रख देना है। तो इसमें मॉडल्स फोटो में क्लिक करना, इसका जो मतलब ड्यूरेशन है इसमें एक पॉइंट आपको कुछ इस तरह से आगे की ओर खींच लेना, इसी तरह से। यहाँ तक हो जाने के बाद डन करना, फिर इस मॉडल्स फोटो पर क्लिक करना, फिर इसका भी एक ड्यूरेशन है इसको 3 पॉइंट पर एडजस्ट कर लेना, डन करना। फिर इस मॉडल्स फोटो पर क्लिक करना, तो यहाँ से 4 मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन को 3 पॉइंट पर एडजस्ट कर देना है। तो देखो मैंने 4 मॉडल्स का ड्यूरेशन जो मैं 3 पॉइंट पे एडजस्ट कर दिया, 3 पॉइंट पे एडजस्ट हो जाने के बाद उसके बाद देखो अगर 7 मॉडल्स फोटो बचा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मॉडल्स फोटो। इतना हो जाने के बाद फिर से सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना और यहाँ को 5 पॉइंट पर रख देना है। चलो मैं 5 पॉइंट पर रख देता हूँ, इसको कट लगा देना। कट लगा देने के बाद क्या करना है, वो फिर से मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर वहाँ गैलरी में जाना और यहाँ से फिर से आपको एक मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा, मैं एक मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद को फिर से सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना और उसको यहाँ 0 पॉइंट पे रख देना कुछ इस तरह से। 0 पॉइंट पे रख देने के बाद इसको कट लगा देना। कट लगा देने के बाद यहाँ से 33 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना है। तो चलो मैं जो फटाफट से 33 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो देखो मैंने 33 मॉडल्स फोटो ऐड कर लिया। 33 मॉडल्स फोटो ऐड हो जाने के बाद को क्या करना है, फिर से को सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना और यहाँ से 3 पॉइंट पे कुछ इस तरह से आपको रख देना। रख देने के बाद यहाँ से कट लगा देना। कट लगा देने के बाद
आपको क्या करना है, आपको ना गैलरी से जो सॉन्ग के लास्ट तक जितना मॉडल्स फोटो है आपको ऐड कर देना है। तो चलो मैं सॉन्ग के लास्ट तक जो मॉडल्स फोटो फटाफट से जो मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद आपको इसमें इसकी मैं बताऊँगा वीडियो के आगे प्रोसेस जो मैं आपको उस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलो मैं इसको सॉन्ग के लास्ट तक जो मॉडल्स फोटो मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ उसके बाद क्या एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। तो मैं इसमें पहले जो मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर, इतना सेलेक्ट हो जाने के बाद वो फर्स्ट तरफ आ जाना कुछ इस तरह से। फर्स्ट तरफ आ जाने के बाद मैं, चलो मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। तो उसको थोड़ा मैं नॉर्मल साइज में ले आना है आपको, और ले आने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आना है जहाँ तक ड्यूरेशन जो 2 पॉइंट पे रखे थे। तो मैं आ जाता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ 3 पॉइंट पे है तो 2 पॉइंट पे कहाँ था मेरा, ये रहा मेरा 2 पॉइंट पे, यहाँ मेरा मॉडल फोटो है कुछ इस तरह से एडजस्ट किया हूँ। तो यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद इसका जो ड्यूरेशन आपको कितना रखा है देख लेना, मैं 5 पॉइंट पर रखा हूँ, इसे डन करना है। और यहाँ से कुछ 7 मॉडल्स फोटो छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मॉडल्स फोटो छोड़ देना। 8 नंबर मॉडल फोटो क्लिक करना, इसका ड्यूरेशन आपको कुछ इस तरह से 8 पॉइंट तक एडजस्ट कर लेना है। तो चलो मैं इसको जो 8 पॉइंट तक एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, 8 पॉइंट एडजस्ट हो जाने के बाद इसे डन कर देना है। फिर से वो 7 मॉडल फोटो छोड़ देना है। तो मैं यहाँ से जो 7 मॉडल्स फोटो फिर से छोड़ देता हूँ कुछ इस तरह से। छोड़ देने के बाद 8वां नंबर मॉडल फोटो क्लिक करना, इसका भी ड्यूरेशन है आपको 8 पॉइंट तक कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट हो जाने के बाद फिर से वो डन करना है, फिर से वो 7 मॉडल्स फोटो छोड़ देना है। तो 3 4 5 6 7, जो 8वां नंबर मॉडल फोटो पर क्लिक करना, इसका भी ड्यूरेशन है कुछ तरह से आपको 8 पॉइंट पर 8 पॉइंट तक ले आना है। चलो मैं इसको 8 पॉइंट तक कुछ इस तरह से ले आता हूँ यहाँ तक, और यहाँ से डन कर देना है। फिर से वो 7 मॉडल्स फोटो छोड़ देना, 2 3 4 5 6 7, और ये रहा मेरा 8वां मॉडल्स फोटो पर क्लिक करना, इसका ड्यूरेशन है कुछ इस तरह से आपको 8 पॉइंट तक ले आना है। ले आने के बाद मैं चलो दिखा देता हूँ, यहाँ तक हो जाने के बाद वो डन करना है। और उसके बाद जो मॉडल्स फोटो है, 1 मॉडल फोटो 2 पॉइंट बच, उसको क्लिक करना, इसका ड्यूरेशन आपको 1 सेकंड 4 पॉइंट पर रख देना है। कितना रखना है, 1 सेकंड 4 पॉइंट पे। चलो मैं इसका ड्यूरेशन जो इस तरह से घींच के ले आता हूँ और आगे घींच लेता हूँ, इसको 1 सेकंड 4 पॉइंट पे आपको एडजस्ट कर देना है। तो लगता ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको 1 सेकंड 4 पॉइंट पे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप भी एडजस्ट कर लें इसी तरह, अगर इस तरह का एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स, आपका जो स्टेटस वीड के साथ परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद वो क्या करना है, सबसे पहले को फर्स्ट तरफ आना है। फर्स्ट तरफ आने के बाद उसमें इफेक्ट ऐड करना, फर्स्ट मॉडल फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और यहाँ से अगर नीचे जाना है मिलेगा कॉल में डीजे का ऑप्शन पे क्लिक करना, जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट है फर्स्ट मॉडल फोटो में ऐड कर देना है, इसे डन करना है। उसके बाद सेकंड मॉडल फोटो में को क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और यहाँ से फिर से जाना स्वीट लाइट बिट्स इफेक्ट में, और जो 5 नंबर इफेक्ट है इस मॉडल फोटो में ऐड कर देना है, इसे डन करना है। फिर से यहाँ तक आना, मॉडल्स फोटो में क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, स्क्रॉल कर नीचे जाना है, यहाँ से कॉल में डीजे में, और जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट ऐड कर देना है, इसे डन करना है। फिर से कुछ तरह से आगे तक आना, इस मॉडल्स फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, और फिर से को जाना है यहाँ स्वीट लाइज इफेक्ट पे, और जो 5 नंबर इफेक्ट ऐड कर देना। तो इस वाला इफेक्ट है कुछ इसी तरह को, एक में कॉल में डीजे ऐड करना फर्स्ट में, दूसरा में जो को स्वीट लाइज 5 नंबर इफेक्ट, इस तरह से इधर का जितना मॉडल्स फोटो है आपको यहाँ तक एडजस्ट कर लेना है। यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद देखो वो 11 साढ़े 11 सेकंड तक एडजस्ट उसी तरह से जो मॉडल्स फोटो में इफेक्ट ऐड कर देना है। उसके बाद जो मॉडल्स फोटो उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जिसका जिस मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन 5 पॉइंट पर रखे थे उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, कॉम मोशन में जाना, जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इसमें ऐड कर देना है, इसे डन कर देना। उसके बाद आपको 7 मॉडल्स फोटो छोड़ देना, उसके बाद जो मॉडल्स फोटो उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, और यहाँ से नीचे जाना मिलेगा कॉल में डीजे का ऑप्शन, क्लिक करना, जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट है इसमें ऐड कर देना। आपको 7 मॉडल्स फोटो छोड़ देना है, उसके बाद जो 8वां नंबर पर मॉडल्स फोटो जिसका ड्यूरेशन 8 पॉइंट पर रखे थे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और कॉल में डीजे में जाना है, जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट है इसमें ऐड कर देना। इसी तरह से आपको यहाँ तक एडजस्ट मतलब कि ऐड कर देना है। उसके बाद जिस मॉडल्स फोटो का ड्यूरेशन 1 सेकंड 4 पॉइंट पर रखे थे उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और कैम मोशन में जाना, जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इसमें सेक वाला ऐड कर देना, इसे डन कर देना। इतना हो जाने के बाद इसके बाद जितना मॉडल्स फोटो का मतलब बच चुका है जो 3 पॉइंट पर, उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और यहाँ से करके नीचे जाना है, आपको मिलेगा एक इफेक्ट, तो मैं दिखा देता हूँ एनिमेशन का जो इफेक्ट है उस पर क्लिक करना है, इसको करके नीचे जाना है, और यहाँ से इस वाला इफेक्ट को इसमें ऐड कर देना है, इसे डन करना। फिर दूसरा मॉडल्स फोटो पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और इसको करके नीचे जाना है, फिर इसको जाना है इन एनिमेशन में,
और यहाँ से आपको फिर से जो 30 वाला इफेक्ट है ऐड कर देना है। जो 30 वाला इफेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से वो जो 37 तक ऐड करना है। इसी के बीच में जितना जितना इफेक्ट को सब मॉडल्स फोटो में फटाफट से ऐड कर देना। चलो मैं फटाफट से जितना मॉडल्स फोटो लिया उस समय कुछ तो इफेक्ट है मैं फटाफट से ऐड कर ला, तो उसके बाद जो वीडियो का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद डन कर देना। डन हो जाने के बाद इसको नॉर्मल समय में कुछ इस तरह से ले आना है। ले आने के बाद फ्रेंड्स को क्या करना है वीडियो में चलो मैं दिखा देता हूँ। ले आने के बाद को फर्स्ट तरफ आना कुछ इस तरह से। आने के बाद लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना है। जाने के बाद यहाँ से जो इसमें बॉर्डर पीएनजी ऐड कर देना है ताकि वीडियो का इस काफ़ी कमाल का बन के दिखेगा। तो चलो मैं इसमें बॉर्डर पीएनजी जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और बॉक्स पर क्लिक करना, ऑफ के बगल व्हाइट कलर का बॉक्स में क्लिक करना, डन करना है। फिर से बॉर्डर पीएनजी पर क्लिक करना, उसका जो ड्यूरेशन वीडियो के लास्ट था वो कुछ इस तरह से खींच के ले आना है। तो बस का स्टेटस है कमाल का बन के दिखेगा और बीट के साथ जो वो परफेक्ट जो एडजस्ट हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और आप भी जो इस तरह का जो व्हाट्सअप स्टेटस है क्रिएट कर सकते हैं, और आप इस तरह का और भी स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे स्टेटस का लिंक दे दूँ, वहाँ से आप और भी स्टेटस देख सकते हैं। और आप भी इस तरह का जो व्हाट्सअप स्टेटस है काफ़ी कमाल का क्रिएट कर सकते हैं, आपका भी स्टेटस कुछ इसी तरह का बन के दिखेगा, बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। मैंने जिस तरह से एडजस्ट करके दिखाऊंगा कुछ इसी तरह से एडजस्ट करते हो तो गाइस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत